Now, for our top focus this morning, the BJP has released the first list of 195 candidates. Prime Minister Narendra Modi will be contesting from Uttar Pradesh's Varanasi seat in the upcoming 2024 Lok Sabha elections, while Home Minister Amit Shah will be fighting from Gujarat's Gandhinagar. Now, the BJP has released its first list of 195 candidates for the general elections after days of back-to-back late-night meetings. The list boasts of 195 names, with 34 ministers, two former CMs, 28 women. And 47 young leaders. Now, the Prime Minister is set to contest from Varanasi for the third time, and Home Minister Amit Shah will also seek re election from Gandhinagar while Defence Minister Rajat Singh will vie from Lucknow. And Smriti Rani will also be defending her Amiti seat. Pradesh <laughs> 195 सीट्स का निर्णय हुआ उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे Union Aviation Minister यूनियन एवियशन मिनिस्टर and सिंधिया former एमपी चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान also फीचर ऑन द लिस्ट मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी का अमित जी का केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूँ विदिशा से सदैव से मेरा आत्मीय रिश्ता रहा है फिर एक बार सेवा का सौभाग्य मिला है Now, Uttar Pradesh is pivotal with 51 candidates, and the party is making significant inroads in West Bengal and Delhi. In Delhi, the BJP has fielded Bansuri Swaraj, the daughter of the late Sushma Swaraj. मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जे पी नड्डा जी की प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता और संगठन की कि उन्होंने ये अवसर और ये दायित्व मुझे दिया है अब मैं आपको कह रही हूँ अब की बार और फिर एक बार इसके तो संकल्प जपा का एक एक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधान सेवक बनाएंगे नमीनवाल राष्ट्रीय लोकदल चीफ जयंत सिंह अनाउंस दैट पार्टी इज फोर्मली ज्वाइनिंग दी बीजेपी ट्वेंटी फोर लोकसभा इलेक्शन शब्द नहीं है मेरे लिए मुझे उम्मीद भी नहीं थी मेरे लिए बहुत बड़ा आप कहिए कि सरप्राइज़ है कि पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को दी है मैं सबसे पहले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ अपने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का धन्यवाद करती हूँ अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों का धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरे को ये मौका मिला है वो जो विश्वास उन्होंने दिखाया था महिलाओं के ऊपर हर क्षेत्र में मौका दिया है और जो उनका नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो सकता है जो हमारे लीगल है उसकी वजह से आगे आ रहा हो लेकिन अपने निर्णय में उन्होंने आज ही बताया कि उनकी कमिटमेंट हमेशा कमिटमेंट होती है चांदनी चौक की ऐतिहासिक सीट से व्यापारी को टिकट दिया है और निश्चित रूप से हम चांदनी चौक में बहुत बड़ी विजय करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनका जय घोष न केवल चांदनी चौक बल्कि पूरे देश में होगा अब की बार चार सौ पार देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गृह मंत्री अमित शाह जी और शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने एक बार पुनः मुझ पर विश्वास करते हुए लोगों की सेवा करने का मौका जो है वो दिया है और मैं सबको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि जिस कर्मठता के साथ और जिस निष्ठा के साथ हमने पहले कार्य किया है उससे भी बढ़कर हम लोगों की सेवा करेंगे और लोगों का मन जीतेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे जिस दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड आर होम मिनिस्टर एंड आर पार्टी प्रेजिडेंट हेव चोजन मी टू कंटेस्ट इन द कैपिटल ऑफ केरला टू वैंड्रम स्टेट दैट आई कम फ्रॉम स्टेट दैट माई फैमिली कम्स फ्रॉम एंड आई हैव डीप रूट्स इन इज एन एब्सोलूट ऑनर एंड प्रिवलेज एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ऑनर्ड And I, uh, I will soon be travelling to Trivandrum as soon as the uh, Council of Ministers meeting is over tomorrow. And uh, it is clear that I will run a campaign that is going to focus on the development of India, on the, the, the lack of development in Trivandrum, the lack of development in Kerala.